हेलो नमस्ते, मेरा नाम शशांक त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का 14वां वीडियो है। और आज का जो शीर्षक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो स्लाइड्स हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पढ़ने के वीडियो देखने के बाद आप उन्हें जाके पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये जो है टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का वर्गीकरण। हम लोग ये जान चुके हैं कि पर्वत कैसे बनते हैं। हम लोगों ने जाना प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू पर्वतों का बनना, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना जियो सिंक्लाइन के थ्रू पर्वतों का बनना। कोवर की थ्योरी पढ़ी, आर्थर होम्स की थ्योरी को जाना, बाकी प्लेट टेक्टोनिक तो हमें मालूम ही है कैसे पर्वत बनते हैं। तो ये जो माउंटेन का जो क्लासिफिकेशन जो हमने अलग से वीडियो बना रहे हैं, इसका पूरा लक्ष्य ये है कि हम ये जानें कि जो पर्वत हैं उनकी जो वर्गीकरण किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है। और चूंकि जाहिर सी बात है उनकी विशेषता के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा, तो उसकी विशेषता को जानकर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब दिमाग में याददाश्त बनी रहती है कि वो पर्वत जो हम अगर कोई नाम बोल लेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ हाँ ये ऐसे बना था, तो ये किस टाइम पे बना था ये मालूम रहेगा हमें, कौन सी प्रकार की हलचल थी ये मालूम रहेगा, और बाकी चीज़ें मालूम रहेंगी उनका किस प्रकार की एक्टिविटी से बना, वर्तमान में किस प्रकार का उसका अपरदन हुआ, रिलेक्ट हो गया है कि अभी भी मौजूदा स्थिति पर वो जारी है। तो ये सारी बातें होती हैं, इसीलिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्ज़ाम में ये आता है, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछ दिए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसे पढ़ने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन असल में तीन आधार हैं जिन आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया पर्वतों का। पहला, क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। पृथ्वी पर वो किस जगह मौजूद है, कोई पर्वत पानी में है कि ज़मीन में है ना, समुद्र के किनारे है या बीचों बीच है पानी या ज़मीन के, इस प्रकार का जो है क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ज़मीन की उनकी स्थिति के हिसाब से। अगला क्लासिफिकेशन का आधार है क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ द ओरिजिन। किस काल में पर्वतों का निर्माण हुआ है? हमें पता है कि अलग अलग समय पर अलग अलग पर्वतों का निर्माण हुआ। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ जब हम लोगों ने पढ़ा तो डिफरेंट टाइप की ओरिजिन ही पढ़ी। असल में पर्वत का निर्माण अचानक नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है होने का, और उनका जो प्रोसेस होता है उसका एक टाइम पीरियड होता है। पृथ्वी पर सारे जो पर्वत हैं एक साथ नहीं बने हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग पर्वत बने हैं। तो जो अलग अलग पीरियड हैं उनके नाम के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये मान लो अल्चर है, ये ओरिजिनी में ये पर्वत बना, तो वो डिवीजन है, उस हिसाब से जो है पर्वतों का वर्गीकरण किया गया है। और तीसरा जो जो है आधार है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द माउंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन। उनका ओरिजिन किस प्रकार से हुआ, ओरिजिन का जो है आधार क्या है, इसके लिए ओरिजिन के आधार पर ही वर्गीकरण उनका किया गया है। कैसे भाई, कोई माउंटेन अगर बना है तो किस प्रकार से बना है, क्या वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है, मतलब क्या फॉल्ट से बना है, फोर्ड माउंटेन है या फिर दूसरे किस्म की चीज़ें हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना है। अब हम लोगों ने फोर्ड माउंटेन पढ़ा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, और लास्ट में कोवर के मॉडल में पढ़ा, जियो सिंक्लाइन में भी फोर्ड माउंटेन पढ़ा, वलित पर्वत, और वॉल्केनिक एक्टिविटी हम लोग पढ़ चुके हैं, वॉल्केनो में कैसे पर्वत बनता है, जब लावा निकलता है और जमा होता रहता है तो एक पर्वत का रूप ले लेता है। बाकी जो फॉल्ट माउंटेन होते हैं, फॉल्ट में जैसे बनते हैं ब्लॉक हॉर्स माउंटेन्स, उनकी जानकारी अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पाई है, तो हम लोग अगले वीडियो में जाहिर सी बात है ट्राई करेंगे प्राप्त करने का। और जब हम लोग पढ़ेंगे फोल्ड एंड फॉल्ट जो है स्ट्रक्चरल जियोमॉर्फोलॉजी, तो अब ये क्लासिफिकेशन के आधार हैं। तो जो लोकेशन के आधार पर दो टाइप की क्लासिफिकेशन है, कॉन्टिनेंटल माउंटेन बनते हैं या फिर ओशनिक माउंटेन, या तो ज़मीन पर बनेगा या पानी में बनेगा, कोई कठिन चीज़ नहीं समझना। जो कॉन्टिनेंटल माउंटेन होते हैं वो या तो कोस्टल माउंटेन होगा, या तो समुद्र के किनारे बनेगा, तट पे बनेगा, या इनलैंड बनेगा, या तो ज़मीन पर बनेगा। तो ये कॉन्टिनेंटल के भी दो भाग कर दिए गए, और जो ओशनिक माउंटेन में तो कोई अर्थ नहीं बनता, एक ही जगह बनेगा वो समुद्र में बनेगा। तो ये डिवीज़न हो गया दो टाइप का, ये लोकेशन के हिसाब से, और ओरिजिनी के हिसाब से या फिर उनके पीरियड के हिसाब से चार प्रकार का डिवीज़न है। प्री कैम्ब्रियन हलचल, प्री कैम्ब्रियन ओरिजिनी, उस कंडीशन पे उस टाइम पे जो है अलग अलग पर्वत बने। ये ओरिजिनी जो मेरा प्रोनाउंसिएशन है ये सही है गलत है, इस पर सवाल किया जा सकता है क्योंकि मैंने कभी इसका प्रोनाउंसिएशन सुना नहीं मतलब मेरा अंग्रेजी ख़राब है, मेरा बस अर्थ ये बोलने का। तो ये प्री कैम्ब्रियन हो गया जो है आपका उस पीरियड में जो अलग अलग टाइप के बने। अब प्री कैम्ब्रियन कब हुआ, करीब करीब 50 करोड़ साल पहले की बात है, उससे लगा के जब तक पृथ्वी बनी, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन के पहले के जितने पर्वत थे वो असल में क्या, उनका अपरदन हो चुका है।
तो उस अपरदन के होने के बाद उनकी जो है वास्तविकता में वो बचे नहीं हैं, वो रिलिक्ट हो गए हैं, अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में हैं। तो वो प्री कैम्बियन है जिनकी निर्माण 50 करोड़ साल पहले हुआ, आप मोटा मोटी समझ लीजिए। ये कैलिडोनियन हलचल ये करीब करीब डेवोनियन और सिल्यूरियन के समय पे हुई थी करीब, तो उस समय के जो पर्वत हैं उनको बोला गया कैलिडोनियन के अंदर आए। अर्सीनियन ये करीब करीब कार्बोनिफेरियस परमियन के समय हुई, तो ये करीब 22-25 करोड़ साल पहले ही घटना है। तो उस समय जो पर्वत बने हैं वो अर्सीनियन पर्वत ओरिजिनी या हलचल में आते हैं। और वर्तमान में अल्पाइन पर्वतीकरण प्रक्रिया जारी है जो 7 करोड़ साल पहले शुरू हुई और अभी भी करीब करीब चल रही है, और जैसे हिमालय का पर्वत और बाकी। असल में ये करीब 70 लाख साल पहले तक ज़्यादा एक्टिव थी, इसके बाद ये एक्टिविटी इसकी थोड़ी सी कमज़ोर हुई है। फिर भी हिमालय आप देख रहे हैं लगातार ऊपर उठ रहा है, हिमालय इसी समय बन रहा है। तो ये अल्पाइन एक पर्वतीकरण की प्रक्रिया है। जब से पृथ्वी बनी है तब से 4 प्रकार के पीरियड आ चुके हैं, तो उनके आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। इसके अलावा टेक्टोनिक जो मोड ऑफ ओरिजिन, अब मोड ऑफ ओरिजिन दो टाइप का होगा, या तो टेक्टोनिक माउंटेन होगा, या तो जमीन के नीचे हलचल हुई, जमीन के नीचे से बल लगा पृथ्वी के नीचे से और हलचल होने से माउंटेन बन गया, ज़्यादातर माउंटेन ऐसे ही बने। और दूसरा है सरकम इरोजनल और रिलेक्ट और रेसिडुअल माउंटेन, ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाने जाते हैं। कि सपोज पर्वत तो बन गया, अब पर्वत बनने के बाद उस पर नदी नाला बहेगा, हवा चलेगी, पानी सूरज की किरण पड़ेगी, धूप गर्मी बादल पानी आएगा, तो जाहिर सी बात है पर्वत जो है उस पर क्रियाएँ होंगी इन प्राकृतिक प्रकोपों की, और ज़मीन का मलबा बहा के ले जाएगी और पर्वत धीरे धीरे छोटा होने लगेगा, है ना। तो उसको बोलते हैं रेडिसिवल माउंटेन या रिडलेक्ट और सरकम इरोजनल माउंटेन। मतलब टेक्टोनिक माउंटेन मतलब मोड ऑफ ओरिजिन का मतलब या तो ज़मीन के नीचे के बल या पृथ्वी के ऊपर ज्योग्राफिकल जो फोर्सेज हैं लाइक जो सूरज के द्वारा पड़ते हैं, तो ये उनके आधार पर ये वर्गीकरण हो गया। हम लोग सेपरेटली पढ़ते हैं इन सबको। क्लासिफिकेशन ऑफ द माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से माउंटेन का उनका क्लासिफिकेशन। कॉन्टिनेंटल हम लोग पढ़ चुके हैं, कोस्टल होगा या तो इनलैंड होगा। हम लोग जानते हैं कोस्टल के उदाहरण कौन कौन से हैं, रॉकीज पर्वत, ये जो है पश्चिमी जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है तट पर, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका के मतलब पूर्वी प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है रॉकीज़, और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है ये एंडीज़। एंडीज़ यहाँ पे लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, एंडीज़ पर्वत, ठीक है ना, रॉकीज़ एंड एंडीज़। तो ये हो गया कोस्टल माउंटेन। अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत ये भी नॉर्थ अमेरिका में उपस्थित है और नॉर्थ अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पे यह विद्यमान है, मतलब कि पश्चिमी अटलांटिक तट पर यह स्थित है। अल्पाइन पर्वत, अल्पाइन पर्वत में आप बात कर सकते हैं भूमध्य सागर किनारे किनारे पर्वत हैं, जैसे कि आल्प्स पर्वत है और एटलस है। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट ये भारत में स्थित है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट, ये भी कुछ प्रकार के पर्वत हैं, है ना। देखो नीचे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, दोदा बेटा जो उसकी ऊंची सबसे ऊंची चोटी है ना, तो ये सारी पर्वत श्रृंखलाएँ ये भी आ जाएंगी जो है कोस्टल में। इनलैंड मतलब ज़मीन के बीच में, आसपास समुद्र ना हो। वाजेस पर्वत फ्रांस में पड़ता है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पड़ता है, दोनों ब्लॉक माउंटेंस हैं। हम लोग बाद में पढ़ेंगे ब्लॉक माउंटेंस क्या होता है, अभी ये सब जान लो बस। यूराल जो है जो एशिया और यूरोप को अलग करने वाला बीचों बीच पड़ता है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। कुनलुन, तैनशान और अल्टाई ये अपने हिमालय के उत्तर में पड़ते हैं चाइना में। तो ये हो गया जो है पर्वत। ओसनिक जो है सॉरी ये कुनलुन पड़ता है, बाकी और ऊपर कुनलुन जो है वो पड़ता है, बाकी तैनशान और अल्टाई थोड़ा और ऊपर पड़ते हैं। हिमालया, सतपुड़ा, मैकाल ये भी पृथ्वी के भारत के बीच में है, मतलब ज़मीन के बीच में। सतपुड़ा तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच है ना। मैकाल श्रेणी और ये आपकी क्या नाम है हिमालय आपको दिखाई पड़ती है, आसपास कोई समुद्र नहीं है। और जो ओसनिक माउंटेन होते हैं, आप ओसनिक माउंटेन को समझ लेते हैं, हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल समझ लिया। ओसनिक माउंटेन जो समुद्र के बीच में बने, उदाहरण के तौर पर मौना किया, ये मौना किया एक पर्वत है जो करीब करीब 9,140 मीटर ऊंचा है, मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हुआ। लेकिन चूंकि क्या है कि ज़मीन पानी में बना है, समुद्र में बना है, तो चूंकि समुद्र का बेस लेवल से करीब करीब ये 4 किलोमीटर ऊपर दिखाई पड़ता है, अगर इसका जो आधार है वो करीब करीब आधार से इसे नापेंगे तो करीब 9,140 मीटर ऊंचा है। तो हुआ तो ये हिमालय से भी ऊंचा, लेकिन चूंकि हिमालय ज़मीन पर बना है और ज़मीन से और ऊपर गया कॉन्टिनेंट से, तो हमें 8,500 मीटर की ऊंचाई करीब करीब देता है, 9 किलोमीटर की ऊंचाई। लेकिन ये ज़मीन से हमें नॉर्मल कोऑर्डिनेट से ही देता है 4 किलोमीटर ऊंचाई।
समुद्र तल से ही ऊंचाई देता है 9,140 का। मतलब समुद्र तल नहीं, मतलब समुद्र का जो वितलीय मैदान होता है, समुद्र के नीचे का जो ओशन बेसिन होता है, वहां से ये असल में वॉल्केनिक माउंटेन है। तो ओशनिक माउंटेन का उदाहरण मिल गया, मोनालोआ, मोना किया, ये मोना किया मोनालोआ जो है माउंट, जो पर्वत वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं जो उधर हवाई द्वीप में है, तो उस जगह की बात हो रही है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन, आप माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। आप बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ द ओरिजिन। हम लोग ओरिजिन की बात कर चुके हैं, जैसे प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, अर्जीनियन, अल्पाइन। प्री कैम्बियन 500 मिलियन 50 करोड़ साल पहले है घटना घटी, इसके पहले के जितने माउंटेन हैं जैसे लॉरेशियन माउंटेन और अलोगोमान माउंटेन, ये दोनों यूएस में पड़ते हैं, असल में अवशेष पर्वत के रूप में विद्यमान है। कैलिडोनियन पर हलचल कब हुई, 443 करोड़ से 38 करोड़ के बीच में, उस समय क्या सिल्यूरियन और डेवोनियन चल रहा था है ना, उसके बीच में कौन कौन से पर्वत बने, अपलेशियन पर्वत जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है पूर्व में, अरावली भारत में पड़ता है, माउंट आबू जिसकी सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान के, इधर आप जाएंगे भारत के पश्चिमी एरिया में, पश्चिमी क्षेत्र में, महादेव ये जो है जो सतपुड़ा पर्वत है मध्य प्रदेश में पड़ता है, साउथर्न मध्य प्रदेश का जो है, जो नॉर्थ मध्य जो सॉरी जो मध्य प्रदेश में पड़ता सतपुड़ा, तो सतपुड़ा का जो नॉर्थर्न पार्ट है वो सतपुड़ा रेंज का, तो उस रेंज का जो नॉर्थर्न पार्ट है वो महादेव हिल्स के रूप में जाना जाता है। तो ये भी पर्वत उसी समय बना था कैलिडोनियन हलचल में, ठीक है ना, इसको आप याद रखना, कैलिडोनियन में बना महादेव। हार्शिनियन ये 340 मिलियन से 225 मिलियन, मतलब कि करीब करीब 34 किलोमीटर से लेके 34 करोड़ साल पहले से लगा के 22.5 करोड़ साल पहले तक, मतलब कार्बोनिफेरस और परमियन के समय की हलचल की बात है। वॉजेस ब्लैक फॉरेस्ट, दो किस्म के पर्वत बने ये फ्रांस और यूरोप में, फ्रांस और जर्मनी में, यूरोप मरता है। अल्टाई तियनचान चाइना नॉर्थ सॉरी एशिया बोल सकते हो आप, चाइना पे पड़ता है। यूराल हमें पता है रशिया में पड़ता है, अलग करता है जो है एशिया यूरे और रशिया उसको अपना यूरोप को। अल्पाइन पर्वतीकरण ये टर्शियरी युग में हुआ, टर्शियरी युग 65 मिलियन से लेके 7 मिलियन साल तक का जो साल है, करीब 6.5 करोड़ साल, 6.5 करोड़ साल पहले से लगा के अब तक 7 करोड़ साल तक, 70 लाख साल तक का जो काल है उसे टर्सियरी पीरियड बोलते हैं। 70 लाख साल के बाद जो नया नया काल शुरू होता है उसे क्वार्टनरी बोलते हैं। हम लोग वर्तमान में क्वार्टनरी में हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी लेनी है तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ वाला वीडियो देखो या फिर विकीपीडिया पे सर्च कर लो। तो ये अल्पाइन पर्वतीकरण है, इनमें कौन कौन से बने, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में, रॉकीज अल्पाइन माउंटेन बना यूरोप में, हिमालय बना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है ना, इसके अलावा रॉकीज के अलावा बना जो है एंडीज, एंडीज में काहे नहीं लिखा है पता नहीं, हमने शायद ध्यान नहीं दिया लिखने समय। और माउंटेन इसके अलावा क्या है, जो पामीर की गांठ है, पामीर की गांठ कहाँ है, जो जो पृथ्वी जो हिमालय के उत्तर में पामीर क्षेत्र पड़ता है उस गांठ से ही सारे पर्वतों का जो है जो जितने माउंटेन हैं हिमालय से जुड़े हुए, जैसे कि ये एल्ब्रुज माउंटेन, जागोर्स, कुनलुन, ये असल में क्या है कि एक एक नॉट है, सपोज एक नॉट है ये, इस नॉट से लेफ्ट राइट साइड चारों दिशाओं में पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं, माउंटेन रेंजेस उनको, और बीच में जो है एक नॉट है उसे हम लोग बोलते हैं पानी पामीर की गांठ, ठीक है ना। तो जो पामीर नॉट है उसके चारों तरफ जो नए नए पर्वत फैले हैं, जैसे दक्षिण में अपना हिमालय है जो पूर्व तरफ चला गया है, बाकी कुल्लू है उत्तर में जो है, और एल्ब्रुज और जगोस भी जाते हैं ईरान ईरान साइड, तो ये सारे जो पर्वत हैं ये नवी ये भी ये पर्वत जो है कब बने, अल्पाइन पर्वतीकरण में। तो ये चार प्रकार के पीरियड हैं, उनमें कौन कौन से पर्वत बने ये आप याद रखिए, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, सिर्फ इन पीरियड्स का नाम लेके पूछ देते हैं कि ये पर्वत कब बना, कोई पर्वत, या फिर कोई पर्वत का नाम लेके बोल देंगे ये किस पीरियड में बना, तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए बिल्कुल। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, किस प्रकार का ओरिजिन हुआ। मैंने बोला या तो ज़मीन के नीचे के फोर्स लगेंगे टेक्टोनिक, या फिर ज़मीन के ऊपर के फोर्स लगेंगे जैसे सूरज का एरोजनल डेनोडेशन जो होता है, नाक्षादन है ना, पर्दन निक्षेपण। तो जो अंदर के फोर्स लगेंगे वो तीन टाइप के फोर्स होते हैं, या तो फोल्ड माउंटेन बनाएगा है ना, फोल्ड के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, कम सब कुछ तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ बहुत कुछ पढ़ चुके हैं जो जो आपके सिलेबस में आता है, कोबर का थ्योरी पढ़ चुके हैं, जियोसिंक्लाइन की, और प्लेट टेक्टोनिक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो हम लोग समझ गए फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, तो हिमालय रॉकीज एंडीज के उदाहरण है। ब्लॉक माउंटेन बनता है, या तो ब्लॉक बनेगा या तो फॉल्ट से माउंटेन बनेगा,
फॉल्ट हम लोग अगले वीडियो में शायद पढ़ें या उसके बाद की वीडियो में पढ़ें, तो उसमें परेशानी की बात नहीं है, ब्लॉक माउंटेंस याद रखिए। इनके उदाहरण है वॉजेज फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, विंद रेंज भारत में पड़ता है जो है नीचे बुंदेलखंड के दक्षिण का दक्षिणी हिस्सा जो है इसी से जो है सीमांकित होता है, और सतपुड़ा रेंज जो मध्य प्रदेश के में पड़ती है उसके साउथ में पड़ता है, विंध्य के साउथ में। इसके अलावा वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन भी हम लोग समझते हैं, जब वॉल्केनोज पड़ी थी हम लोगों ने जाना था कैसे उसका जो लावा निकल निकल के जमता है राख के साथ में और कैसे वो उठता चला जाता है माउंटेन बन जाता है। उदाहरण पे तो तौर पर जी ये कैस्केड रेंज है, ये US में पड़ती है कैस्केड रेंज। माउंटेन किलीमंजारो, ये माउंट किलीमंजारो ये तंजानिया में पड़ता है, बड़ी खूबसूरत जगह है अफ्रीका की, कभी मौका मिले तो जाइए केन्या। और माउंट फ्यूजियामा जापान, ठीक है ये सारी चीज़ें हो गई। ये हो गया टेक्टोनिक एक्टिविटीज ज़मीन के नीचे। अब टेक्टोनिक ना हो ऊपर से कैसे बनेंगे, अरावली हम लोगों ने जाना अरावली कब बनी, अरावली कब बना, अरावली हम लोगों ने जाना ये कैलिडोनियन के समय अरावली माउंटेन बना। अब उस समय करीब बना करीब 43 करोड़ साल पहले ये माउंटेन बन गया, 43 करोड़ से 338 करोड़ साल पहले। तब चूंकि इसका अपर्दन होगा, तो अपर्दन होने के बाद क्या होगा, अपर्दन का मतलब होगा वो घिसेंगे माउंटेन, ऊपर से हवा पानी नदी बहेगी तो जाहिर सी बात है मलबा बहा के ले जाएगी पहाड़ से, तो पहाड़ हो जाएंगे छोटे। तो जो अरावली माउंटेन है वो असल में रिलेक्ट माउंटेन की श्रेणी में भी रखा गया है, क्यों, क्योंकि इसका अवशिष्ट पर्वत हो गया, इतना पुराना हो गया है कि ये पूरी तरीके से मतलब इसका गेम बच गया है, मतलब रगड़ दिया गया है। इसीलिए कभी आप माउंट आबू जाएँ या फिर उस अरावली श्रेणियों में आप घूमेंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े वहाँ पर बैथोलिथ मिलेंगे, बैथोलिथ बोलेंगे बैथोलिथ मिलेंगे, कैसे अब जो भी मिलेगा बैथोलिथ लैकोलिथ मेरे ख्याल में लैकोलिथ मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि चूंकि नीचे अंदर लावा भरा होता है, लावा तो जम गया उसमें कभी ना कभी, इसमें ज्वालामुखी क्रिया भी हुई थी अरावली में, तो अंदर लावा जम गया तो वही बैथोलिथ जो इंटरनल जो इंट्रूसिव जो रॉक्स बनती हैं वॉल्केनो उसमें हम लोगों ने पढ़ी थी, तो अंदर का जो बैथोलिथ था वो जम गया। अब ऊपर जो माउंटेन बना था वो फोर्ड माउंटेन था अरावली, तो हुआ ये कि अब उस घिस दिया गया पूरा माउंटेन। घिसने के बाद क्या हुआ कि ऊपर का सारा जो है जो मलबा था सेडिमेंट थे जो अब सारी चट्टानें थी वो हट गई और नीचे की इग्नियस रॉक आ गई जिनका जल्दी से पर्दन नहीं हो पाया, इसलिए वो जो अरावली है वो असल में बैथोलिथ वहाँ पे हमें बहुत सारे मिलते हैं। बैथोलिथ को आप इस तरीके से ले सकते हैं जैसे आप कभी आम खाएं और आम खा जाएं अंदर की गुठली छोड़ दें, तो वो हो गया पर्वत के अंदर का बैथोलिथ, एक ऐसा मजबूत चट्टान जिसका अपर्दन जल्दी होता नहीं है। इसीलिए जो अरावली हैं असल में वहाँ गुठलियाँ बची हैं अग्नि चट्टानों की, और जो आबादी थी वो असल में बहा के ले जाई जा चुकी हैं। हर तरफ की बात नहीं बता रहे हैं, ये कुछ जगहों की बात है जहाँ पे जैसे खासकर माउंट आबू का जो रीज़न है। तो ये अरावली हो गया, यूराल माउंटेन भी अवशिष्ट हो गया है, काफ़ी पुराना बना था अब वो काफ़ी जो है घिस दिया गया है पर्वत। स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया और डेकन प्लेट्यू, ये असल में डिफरेंट चीज़ है। ये थे पर्वत जो घिस दिए गए अरावली और यूराल, लेकिन जो स्कॉटलैंड स्कैंडिनेविया और डेकन प्लेट्यू है ये असल में क्या है कि कई बार क्या होता है कि पठार होते हैं, पठार पे पानी नदियां मान लो बहीं तो उन्होंने क्या अपनी घाटियां बना देती हैं, तो वो काफ़ी उबड़ खाबड़ बन जाते हैं ना, और उनमें बहुत सारी घाटियाँ बहुत छोटे मोटे हिल्स होते हैं जैसे भारत के पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट में मिलते हैं, तो इस प्रकार के जो रिलेक्ट फीचर बन जाते हैं तो छोटे छोटे हिल्स का ये छोटे छोटे पहाड़ियों का रूप ले लेते हैं, तो वो भी एक प्रकार के भाई माउंटेन की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसलिए डेकन प्लेट्यू स्कैंडिनेविया और स्कॉटलैंड के जो रीज़न है जो प्लेट्यू रीज़न रहे हैं, लेकिन उनमें इतने पुराने रीज़न है कि उनमें इतनी नदियाँ बहीं और छोटे छोटे हिल्स का निर्माण कर दिया है, तो वो भी इन रिलेक्ट माउंटेन की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन, ये सारे क्लासिफिकेशन निपट गए। ये एक मैप है, इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के माउंटेन्स हैं, जैसे जो डार्क कलर में माउंटेन है ये छोटे माउंटेन है कम ऊंचाई के, जो लाइट कलर के हैं वो ज़्यादा ऊंचे हैं। इसके अलावा कुछ स्कैटर्ड बिखरे हुए माउंटेन है ना, ये आप देखेंगे इंडिया में, कुछ देखेंगे ये अफ्रीका के बीच में मिलेंगे, तो ये सारे माउंटेन हैं। अब आपका जो है असल में असाइनमेंट तो ये बनता है कि आप गूगल करें उन सारे पर्वतों के नाम जो जो हम लोगों ने इस वीडियो में सुने हैं, और उनकी लोकेशन का आइडेंटिफाई करें कि वर्ल्ड मैप में कहाँ पड़ते हैं, है ना। ये बाकी लीजेंड दिए गए हैं इस मैप के, आप देख सकते हैं आगे। अब हम लोग एक नई बात करते हैं, नई बात ये है कि टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, शब्दकोश। ये स्लाइड इसलिए मैंने प्रस्तुत की है कि
कई बार क्या होता है कि हम लोग सब पढ़ डालते हैं पर्वतों के बारे में, पर्वतों के नामकरण, नाम नाम पढ़ लेते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं पर्वत समूह है, पर्वत श्रृंखला है ना, पर्वतमाला है और पर्वत तंत्र है, लेकिन ये जो नाम होते हैं इनको परिभाषित नहीं कर पाते हैं। अगर कोई डिफरेंस पूछ दे तो सही से बता नहीं पाएंगे, इसीलिए ये जो है कुछ टर्मोलॉजी मैंने दी है इसको भी जान लेते हैं। माउंटेन रेंज क्या होता है? माउंटेन रेंज मतलब होता है अलग अलग छोटे छोटे माउंटेन की एक श्रृंखला, एक छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, मतलब माउंटेन की माउंटेन में नहीं बोलेंगे, छोटी छोटी जो छोटी छोटी बोल रहे हैं, जो माउंटेन पीक्स होती हैं, मतलब कि जो पर्वत की जो चोटियाँ होती हैं वो चोटियों की एक श्रृंखला, लेकिन शर्त ये है कि वो तो एक लकीर के रूप में फैली होनी चाहिए। मतलब कि सपोज एक ऐसी पर्वत है, एक पर्वत है जो करीब इस लकीर में फैला हुआ है, सीधी लकीर में फैला हुआ है, और उसमें बीच में अलग अलग ऊंचाई की चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है ना, कंचनजंगा, या फिर अलग अलग किस्म की चोटियां हैं, है ना। तो इस कंडीशन को अगर एक एक सिंगल सी एक लाइन है और उसमें अलग अलग चोटियां हैं, और वो सारी जो चोटियां हैं एक ही टाइम पीरियड में बनी हैं, और जो वो रेंज है पूरी, मतलब जो पूरी वो लाइन है एक टाइम पीरियड में बनी है, मतलब अलग अलग समय पे नहीं बनी, वो एक ही टाइम पे वो सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है एक ही पीरियड में, तो हम लोग बोलते हैं उसे माउंटेन रेंज, मतलब कि पर्वत श्रेणी। जैसे भारत में अगर हिमालय की बात करें तो वृहद हिमालय एक पर्वत श्रेणी है ना, लघु हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पर्वत श्रेणी। अब आता है माउंटेन सिस्टम क्या होता है, अब आता है माउंटेन सिस्टम की बात करते हैं। माउंटेन सिस्टम क्या होता है कि अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ हों, एक माउंटेन रेंज, दूसरी माउंटेन रेंज, तीसरी माउंटेन रेंज, वो पैरल रूप में फैली हुई हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, माउंटेन सिस्टम। लेकिन वो जो जितनी माउंटेन रेंज होंगी, जितनी वो पर्वत श्रेणियाँ हैं, वो सारी पर्वत श्रेणी एक ही टाइम पे बनी होनी चाहिए, इसलिए तब वो माउंटेन सिस्टम कहलाएगा। अगर वो एक टाइम पे नहीं बना है तो उसे हम लोग बोलेंगे माउंटेन चैन, पर्वत माला। हिमालय एक पर्वत माला इसलिए है क्योंकि उसके अलग अलग जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ, या ट्रांस हिमालय, या उसके पीर पंजाल का हिस्सा है, या जास्कर श्रेणियाँ हैं, ये सब इसलिए उनको माउंटेन चैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अलग अलग टाइम पे बने हैं। वृहद हिमालय अलग समय पे निर्मित हुआ, उसके नीचे की जो पैरेलल चैन है, रेंज है सॉरी, वो अलग टाइम पे निर्मित हुई, इसलिए हिमालय या अन्य जो फोर्ड माउंटेन है मैक्सिमम वो माउंटेन चैन के रूप में जाने जाते हैं, पर्वत माला के रूप में जाने जाते हैं, ना कि पर्वत तंत्र के रूप में। पर्वत तंत्र एक ही समय पर माउंटेन रेंज का निर्माण हो तब माउंटेन सिस्टम होगा, वरना वो माउंटेन चैन होगा। ये बहुत माइनर सा अंतर है, लेकिन ये जानना हमें ज़रूरी होता है, और कई बार किताबों में पढ़ने से बाद भी हमें आंसर समझ में नहीं आता है क्योंकि उसमें भी बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अब एक वर्ड होता है कॉर डिलेरा, कॉर डिलेरा, कॉर डीएलआरआ, ये असल में हम लोगों ने कार डेला पढ़ा था, कार डेला है ना, कार डेला पढ़ा था ना, कार डेला, कार डेरा, कार डेरा, हम लोगों ने कार डेरा पढ़ा था ज्वालामुखी में, जब क्रेटर जो होता है वॉलकैनो का, उसका मुंह होता है क्रेटर, जब ज़्यादा नीचे से मलबा निकलता है तो जब वो फट के फ्लावर बन जाता है तो उसको हम लोग कालडेरा बोलते हैं, बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन ये कालडेरा उस कालडेरा से अलग है, ये स्पेनिश वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं पर्वत समूह, पर्वतों के समूह को हम लोग बोलते हैं कॉर डिलेरा, वो होता है कालडेरा, ये होता है कॉर डिलेरा। इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है क्योंकि ये कभी कभार जो अमेरिका के जो पर्वत है, नॉर्थ अमेरिका के, उनमें उनको उन पर्वतों को हम लोग कॉर्डिलेरा के रूप में मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, उनका नाम बोलते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो कि पता चले आप लोग सोचें ये कॉर्डिलेरा है, वो ज्वालामुखी है, ऐसा नहीं है। कॉर्डिलेरा मतलब होता है पर्वत समूह, पर्वत समूह मतलब अलग अलग प्रकार के माउंटेन्स, जैसे क्या है कि ये जो माउंटेन चैन होगी, माउंटेन सिस्टम होंगे या माउंटेन रेंज है, वो एक ही टाइप के माउंटेन्स होंगे, या तो फोर्ड माउंटेन है ना, या ब्लॉक माउंटेन है, खासकर फोर्ड माउंटेन के लिए ये तीनों शब्दों का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे पर्वत हैं जिनमें फोर्ड माउंटेन भी हैं, मतलब कि वलित पर्वत बने हैं और भ्रंशित पर्वत भी बने हैं, ब्लॉक माउंटेन्स भी बने हैं, है ना, फॉल्ट के द्वारा भी बने हैं, या फिर वॉल्केनिक माउंटेन भी हैं, हम लोगों ने तीन किस्म के माउंटेन्स पढ़े थे, कहाँ गए,
हम लोगों ने तीन किस्म के माउंटेन पढ़े थे, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी में फोर्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। अगर ये तीनों किस्म के माउंटेन हमें एक जगह मिलते हैं, ठीक है ना, तो उनको हम लोग बोलते हैं कॉल्डेरा, पर्वतों का समूह। इस प्रकार के कॉल्डेरा हमें एंड्रीज पर्वतमाला और रॉकीज पर्वतमाला में मिलते हैं। तो ये एक वर्ड है, इसको भी आपको याद रखना है। ये चार किस्म की टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया जाता है नॉर्मली, तो ये आपके फ़ायदेमंद होगी। अब एक आखिरी एक फ़ोटो है आपके सामने। ये फ़ोटो में क्या है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ज्योलॉजी सर्वे जो है ना, जो उनका डिपार्टमेंट है ज्योलॉजिकल सर्वे, तो USGS, उसके द्वारा ये निकाली हुई तस्वीर है जो मैंने गूगल से निकाली है। आप देखेंगे ये सारे जो कलर आप देख रहे हैं, नीचे लीजेंड्स दिए गए हैं, आप जब जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक में, तो आराम से आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल ये समझ लीजिए, जो ये लाइट ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ये सारे पर्वत हैं, है ना, ये सारे पर्वत हैं, पर्वतमालाएं हैं, श्रृंखलाएं हैं। और ये जो ये क्या कलर है, जो धब्बा देख रहे हैं पर्पल कलर का, ये असल में अग्नि चट्टानों के कुछ वो हैं, मतलब कि इकट्ठी हुई जहाँ पे अग्नि चट्टानें, उदाहरण के तौर पे अग्नि चट्टानें बनती हैं लावा से, तो ये वो हिस्से हैं जहाँ पे कभी लावा बहा निकला और जम गया, जैसे हम लोग ट्रैप भी बोलते हैं, तो ये ट्रैप्स हैं। जैसे ये एक ट्रैप है देखो साइबेरिया में, और ये आप अफ्रीका में रिफ्ट वैली में एक ट्रैप दिखाई पड़ेगा। ये सारे वो ट्रैप्स हैं जो, जैसे ये आइसलैंड में एक ट्रैप है, आइसलैंड में जो वाला लावा निकलता है ना, मेड ओसनिक रिज के बीच में बना है, तो ये ट्रैप है। और इसके अलावा जो पिंक कलर का आइटम है, जो पिंक है, वो शील्ड है। शील्ड वो हिस्से होते हैं जहाँ पे भूकंप नहीं आते हैं, बहुत रिजिड ठोस मास होता है। जैसे आप अफ्रीका में कितनी शील्ड है आप देखेंगे, है ना, ये साइबेरियन शील्ड्स में आता है, ये साइबेरियन शील्ड आती है इसके इधर। और ये जो है आप जो देखेंगे लाइट ब्लू कलर का, ये बेसिन है, मैदान है ना, ये आप देखेंगे ये भी एक बेसिन फैला है, जो प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप, और ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं, आप इसे जाके आप देख सकते हैं, एक थोड़ी सी आपकी बुद्धि को खोलने की कोशिश है। बाकी आप जो माउंटेन्स पढ़ाए गए हैं, उन माउंटेन्स को आप आइडेंटिफाई करिए गूगल वर्ल्ड मैप में, तो यही आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसे सीखने के लिए, क्लासिफिकेशन को याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पर्पस से। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।